के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ तिरुपति के लिए रवाना हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 27 जून को वापस लौटेंगे। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन को लेकर कर्मचारियों का वेतन नहीं देने पर इंदौर भवरकुआं स्थित राणा मोटर्स के खिलाफ कर्मचारियों ने FIR दर्ज कराई है। भवरकुआं स्थित मारुति शोरूम राणा मोटर के खिलाफ कर्मचारियों ने रिपोर्ट दर्ज कराकर सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। कर्मचारियों की माने तो उनका कहना है कि मालिक ने पिछले कई महीनों का वेतन नहीं दिया और मांगने पर गाली गलौज के साथ धमकी देते हुए कहा कि दूसरी जगह कहीं नौकरी नहीं लगने दूंगा। बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से उमरिया जिले के इंदवार थाना अंतर्गत बिजली ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से दो लोगों की दुखद मौत हो गई है। ट्रांसफार्मर में फंसने से दो व्यक्ति मौत की गोद में समा गए हैं। इस पूरी घटना में ग्रामीणों में जमकर आक्रोश दिखाई दिया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के उमरिया से दिल दहला देने वाला वाक्या सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले के चंदिया थाना अंतर्गत बहरवाह गांव में 24 साल के सुरेंद्र यादव की खेत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के भाई रामलखन यादव ने गोली मारकर हत्या की आशंका जताई है। एक दिन बाद युवक की शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही हत्या होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश में राजनीति घमासान के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इसमें बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने निंदा जाहिर करते हुए कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी और शशांक भार्गव के बयान को आड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला। बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने जारी रखते हुए सोनिया गांधी से दोनों विधायकों को पार्टी से तत्काल बाहर करने की बात कही। आइए जानते हैं अपने हमले में और क्या बात कही है बीजेपी विधायक ने इस रिपोर्ट के जरिए। पिछले दो दिनों से कांग्रेस के विधायकों द्वारा महिलाओं और बेटियों को अपमानित करने के जो बयान आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत शर्मनाक है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे उनको ऊपर से कोई लाइन ऐसी मिली हुई है कि हर रोज कोई एक विधायक महिलाओं के बारे में कुछ ऐसा अनर्गल बयानबाजी करे जिससे महिलाएं अपमानित हो। आपने देखा होगा कि कल कांग्रेस के एक विधायक जीतू पटवारी ने जिस प्रकार से बेटियों को अपमानित करने वाला बयान दिया उससे पूरे महिला मोर्चा ने उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और माफी मांगने की मांग की थी। साथ ही सोनिया गांधी से यह आह्वान भी किया था कि अगर उनके मन में महिलाओं के प्रति बेटियों के प्रति थोड़ा भी सम्मान है तो ऐसे निकृष्ट और नकारा कांग्रेस के विधायकों को वो तत्काल पार्टी से निकाले। और आज जो बयान विदिशा के विधायक शशांक भार्गव जी का आया है वो इतना शर्मनाक बयान है कि उससे लगता है कि कांग्रेस की कौन सी संस्कृति है ये किस संस्कृति का पालन कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी से कि कौन सी विचारधारा को अपना रहे हैं। एक ऐसा बयान जिसने पूरी नारी जाति को अपमानित करने का काम किया है, इस बयान की जितनी निंदा की जाए कम है और इसलिए शशांक भार्गव जैसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। महिलाओं को अपमानित करने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि आप सम्मान नहीं कर सकते, यदि कांग्रेस की संस्कृति महिलाओं को सम्मानित करने की नहीं है तो अपमानित भी आप नहीं कर सकते। पूरी महिला जाति में आक्रोश है। आपने जिस प्रकार से अपने बयान में हमारी केंद्र की एक मंत्री के बारे में जो अनर्गल बयान दिया है उसके लिए आपको माफी मांगना चाहिए और श्रीमती सोनिया गांधी से भी हम ये मांग करते हैं कि तत्काल वो अपने इन विधायक को पार्टी से निकालने का काम करें। चाहे जीतू पटवारी हो चाहे शशांक भार्गव हो, ये वह लोग हैं जो नारी जाति का अपमान करने का ठेका लिए हुए हैं, लेकिन नारी जाति का अपमान करने का हक किसी को इस देश के लोकतंत्र ने प्रजातंत्र ने नहीं दिया है। इसलिए हम ये मांग करते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जो स्वयं एक महिला है कि महिलाओं के प्रति अगर उनके मन में जरा सा भी सम्मान है तो तत्काल जीतू पटवारी और शशांक भार्गव को पार्टी से बाहर निकाल कर फेंके। मैम आगे आप लोग को इसको लेकर जैसे कल आप प्रोटेस्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजा भोज एयरपोर्ट से कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ और आगरा के लिए फ्लाइट शुरू होगी। वहीं 1 जुलाई से भोपाल एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट भी उड़ान भर सकती है। भोपाल से दुबई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है।
शुक्रवार को राजधानी भोपाल में कोरोना के 44 नए मरीज मिलने से एक बार फिर हड़कंप मच गया। वहीं 44 नए मरीज मिलने के बाद 49 व्यक्ति कोरोना को मात देकर घर लौट गए हैं। राजभवन की सुरक्षा में तैनात 5 जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से फिर खलबली मच गई। राजभवन के कर्मचारियों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। जवानों के बैरकों को सैनिटाइज कर बंद किया गया। बैरक के आसपास का एरिया कंटेनमेंट घोषित किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गृह राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक से पहले गृह मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में छात्रों की समस्या को लेकर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को छात्रों को प्रमोट करने या परीक्षा दिलाने की बात पर छात्रों से सहमति लेना होगा। बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने आला अधिकारियों के साथ बैठक कर जनरल प्रमोट करने की बात कही थी और अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा देने का विकल्प रखा था। विकल्प पर सहमति लेने की प्रक्रिया संभवतः जुलाई में पूरी की जाएगी। साथ ही बता दें कि सरकार को लगातार मनमर्जी फीस वसूलने की शिकायतें मिल रही हैं। इस पर उच्च शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर ऐसे कॉलेज को काउंसलिंग से बाहर करने की सिफारिश की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में माता अहिल्या बस वर्कर यूनियन के अध्यक्ष सरदार सौदागर सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की। कोरोना महामारी में परेशान चल रहे चालक परिचालक का दर्द बयां करते हुए सरकार पर समस्या को लेकर अनदेखी करने का आरोप लगाया। निजी बस चालक के मालिक 3 महीनों से लगातार परेशान हैं। साथ ही समस्या का जिक्र करते हुए सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कहा बस वर्कर यूनियन ने जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।